If you don't understand my language, then don't worry, you don't need to hear me. Just follow the steps. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक और एकदम मज़े में होंगे। तो यार पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि दो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पेंट किए हुए स्क्रीनशॉट को किस तरीके से अनपेंट करके उसके बीच में जो चीज़ छुपी हुई है उसको रीड कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपको किसी दोस्त ने कोई स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें कोई चीज़ उसने छुपाने के लिए ऊपर कोई कलर वगैरह मार दिया है, तो उस कलर को हटा के जो उसने चीज़ छुपाई है वो आप कैसे रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ब्लैक कलर कवर किया था, तो उस वीडियो में लोग कॉमेंट कर रहे थे कि दूसरे कलर पर बनाओ। तो फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाकी कलर्स को कवर किया था, जिस तरह के बहुत सारी डिमांड आ रही थी रेड कलर की, येलो कलर की और ब्लू कलर की। तो ये तीन कलर मैंने दूसरी वीडियो में कवर किए थे। तो अभी यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मुझे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे पिंक कलर के ऊपर, ख़ास तौर पे पता नहीं पिंक की डिमांड कुछ ज़्यादा ही थी। तो यहाँ पे पिंक कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि इन तीन कलर के बारे में भी बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, आपको लाइट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि नहीं, अभी मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट में भी दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो फिलहाल आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाइट कलर है, उसके बाद ये ग्रीन कलर है और यहाँ पे पिंक कलर भी है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो अभी हम इसको यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट न्यू मेथड बताऊंगा। अब पिछला मेथड जो मैंने बताया था इसको अनहाइड करने का, उसमें काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि उनके पास वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, वर्क करना तो चाहिए, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में आपको एक नया मेथड बताऊंगा एक नई ऐप के साथ, तो आप वो ट्राई करें, वो ज़रूर से वर्क करेगी। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम इस स्क्रीनशॉट को अनहाइड करने वाले हैं। तो उससे पहले आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी सिंपल है, इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना, उसके साथ ही एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सेलेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बातें कर ली हैं तो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यार सबसे पहले तो आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से मैं बता रहा हूँ आप वहीं से ही डाउनलोड करें, फिर कहेंगे कि आप वर्क नहीं करती। तो सबसे पहले तो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट करके, तो उस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैग DK, तो आपने इस पर क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप सिंपली डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं tagdk.com, आपको स्पेलिंग नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने 3 lines पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है फ़ोटो एडिटिंग। जैसे ही फ़ोटो एडिटिंग लिख के सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट आएंगी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोस्ट है जो मैं ओपन कर रहा हूँ गूगल फ़ोटोज़ करके, तो आपने ये वाली ऐप की जो पोस्ट है उसको ओपन कर लेना है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक येलो कलर का क्लिक हेयर का बटन होगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली ऐप डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद इंस्टॉल कर लें और उसमें आपने अपने स्क्रीनशॉट को ओपन कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसमें अपना स्क्रीनशॉट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाइट कलर है, फिर नीचे ग्रीन कलर है और फिर पिंक कलर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से हाइड है सब कुछ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है इसके पीछे। तो अभी यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे इसी ऐप में। तो यहाँ पे नीचे एडिट का बटन है शेयर के साथ, तो आपने इस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर सजेशन है, कॉर्प है और एडजस्ट है, तो हमने एडजस्ट वाले बटन पे जाना है। तो यहाँ पे जो ऊपर सारे ऑप्शन आ रहे हैं इन्हीं को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ब्राइटनेस का है, तो ब्राइटनेस में जाके आप जैसे ही ब्राइटनेस को बिल्कुल लो करेंगे तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये पेंट जो लगा हुआ है इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद हमने और भी सेटिंग करनी है। फिर कॉन्ट्रास्ट में आ जाएँ, वो अपने स्क्रीन शॉट के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें, और HDR को यहाँ पर आपने स्किप कर देना है। फिर वाइट पॉइंट पर आना है और इसको भी यहाँ से आपने कम कर देना है। फिर उसके बाद हाइलाइट्स में आना है, हाइलाइट्स में आने के बाद इसको भी आप यहाँ से थोड़ा सा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर लें अपने स्क्रीनशॉट के मुताबिक। फिर जो शेडो है उसको भी आपने यहाँ पे कम कर देना है, शेडो थोड़ा कम कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
फिर उसके बाद ब्लैक पॉइंट आता है, तो ब्लैक पॉइंट को यहाँ पे आपने बिल्कुल माइनस कर देना है। और उसके बाद सेचुरेशन है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ पे आपने सेचुरेशन थोड़ी सी कम करनी है ताकि जो कलर है पेंट का वो थोड़ा डिम हो जाए। फिर इस तरह यहाँ पे आपको वार्म वगैरह और इस तरीके की टिंट वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो भी आपने सेम इसी तरह यहाँ पे जो है एडजस्ट कर लेने हैं अपने स्क्रीनशॉट के मुताबिक। तो यहाँ पे जो मैं सेम सेटिंग कर रहा हूँ वही करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने चेक ज़रूर करना है हर ऑप्शन को आगे पीछे करके। तो इसी तरह यहाँ पे आपको स्किन टोन का मिल जाता है, तो स्किन टोन भी काफ़ी सही है, तो इसको भी आपने हल्का सा माइनस कर देना है, तो ये भी काफ़ी सही रहेगा। फिर उसके बाद ब्लू टोन आ जाता है, अब ब्लू टोन को भी यहाँ से आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो आप अपने स्क्रीनशॉट के मुताबिक कर सकते हैं। तो सबसे जो लास्ट में ऑप्शन आता है पॉप का, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पॉप वाला जो है इसको आपने सबसे इंक्रीज़ कर देना है। तो देखें जो पीछे बैकग्राउंड पे जो कलर टेक्स्ट था हमारा, उसका जो कलर है वो पूरी तरीके से यहाँ सामने शो हो गया। इसी तरह शार्पनेस आपने तेज़ कर लेनी है और बाकी सेटिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखें अभी यहाँ पे मैंने सारा कर लिया है, और यहाँ पे देखें जो स्क्रीनशॉट के पीछे जो चीज़ हाइड हुई हुई थी वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप आसानी से उसको रीड कर सकते हैं कि पेंट के पीछे क्या चीज़ छुपाई गई थी, वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेंटेड स्क्रीनशॉट को अनपेंट करके उसमें क्या चीज़ छुपाई गई है उसको यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पहले कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट था, अब यहाँ पे एडिट होने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है। तो देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो ऐप मैंने आपको बताई है सेम वही वाली ऐप डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि वर्क नहीं कर रहा। तो देखा यार कितने कमाल और इजी तरीके के साथ हमने इस पेंटेड स्क्रीनशॉट को अनहाइड किया है, और इसके नीचे क्या चीज़ छुपी हुई थी, क्या चीज़ छुपाने की कोशिश की है मेरे दोस्त ने, वो हमने यहाँ पे रीड की है। उम्मीद है अभी तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आपने बस इसी स्टेप को फॉलो करना है जो मैंने बताए हैं आपने, और उसके बाद आप बिल्कुल 100% अपने स्क्रीनशॉट को अनहाइड कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आती है तो लाजमी वीडियो को लाइक करना, लाइक बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक लाइक को ही कहता हूँ मैं, तो लाइक लाजमी किया करो, है भी फ्री तो लाइक लाजमी कर देना। और अगर आप लोग चैनल की वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी तरह मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करना काफ़ी सिंपल है, इस टाइम चैनल का लोगो ये स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।